मैं आपका आभारी हूँ श्रीमान। मैं शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण बजट जो पेश हुआ है और जो एक के बाद एक अभिनव प्रयोग और नई योजनाओं को समाहित करते हुए देश में एक शिक्षा के माध्यम से उस हिंदुस्तान को जो विश्व में गुरु था और श्रीमान जिसके बारे में कहा गया था एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद्यग्रे जन्मिना स्वम स्वम चरितम शिक्षरण पृथ्व्याम सर्वमानवा, सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला वो देश, ये सशक्त और समृद्ध देश, इसकी पहल माननीय मंत्री जी ने, स्मृति जी ने जिस तरीके से श्रीमान जिस भावना से जिस संकल्पना से इसकी शुरुआत की है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में स्मृति जी की अगुवाई में होने वाला ये क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा किसी समाज, किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। विद्वत्तम च निरपत्तम नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। श्रीमान, शिक्षा यदि आधारक्षम है तो वो उसके लिए देश और दुनिया की सभी सीमाएं ऊपर हैं, और इसलिए संस्कारक्षम और शिक्षित यदि परिवार नहीं है, व्यक्ति नहीं है, समाज नहीं है, राष्ट्र नहीं है, तो वो किसी भी चौराहे पर खड़ा उस कटी हुई पतंग की तरह श्रीमान होगा, जो आसमान तो उड़ रहा होगा लेकिन वो किसकी परिणति किस गधेरे में जाकर वो गिरेगा उसको भी मालूम नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये काम शुरू हुआ है और अभिनव शिक्षा नीति के रूप में माननीय मंत्री जी ने श्रेष्ठ और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक के बाद एक देश में शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी है, भारत को विकसित देशों में शामिल करने की कवायद के हिस्से के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति जो बनी है, इसके लगभग 13 मैं देख रहा था श्रीमान कि इसके 12-13-14 ऐसे बिंदु हैं जो लगातार उस दिशा में आगे देश को, पीढ़ी को, इसके विचारों को और इसकी समृद्धता को बढ़ाएंगे। मैं ये देख रहा था इन 13 बिंदुओं में स्थानीय भाषाओं का उन्नयन हो, चाहे मुक्त विद्यालय शिक्षा का हो, अध्यापकों का चाहे प्रशिक्षण का हो, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, शिक्षा में सुधार हो, माध्यमिक और वरिष्ठ विद्यालयों का सुधार हो, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यकों में वयस्क शिक्षा, कला, क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा, कौशल विकास, परीक्षा सुधार, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो रीढ़ की हड्डी और आधारशिला बनेगी शिक्षा की। इसलिए मैं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा नीति में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, संस्थानों की मान्यता, रैंकिंग, केंद्रीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका, राज्य विश्वविद्यालय को उन्नयन, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और निजी क्षेत्र के साथ सार्थक भागीदारी, उच्च शिक्षा एवं सामाजिक संबंध नियामक व्यवस्था में सुधार, मुक्त एवं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के समन्वय पर जिस तरीके से ध्यान केंद्रित किया गया है और जिस रास्ते से उनको आगे बढ़ाने की ये कवायद की जा रही है, मेरा भरोसा है कि श्रीमान निश्चित रूप में हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन नई पहलों से इस देश को उसकी शिखर तक पहुंचाने में सफल होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए विद्यार्थी, अध्यापकों और अभिभावकों के कल्याण के अभिनव पहल की है, सबके बीच अभिनव समन्वय किया है, जैसे श्रीमान कुशल योजना, ये कुछ मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार सरकार ने समूचे देश के अंदर 100 ज्ञान उन्नयन केंद्रों की स्थापना की है श्रीमान, जिसमें कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में ये केंद्र संचालित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को ये सफलीकृत करेगा और निश्चित रूप में उसको एक दिशा देगा। ऐसे ही श्रीमान
अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्क की स्थापना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है श्रीमान, और इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पहली बार सरकार ने ये महसूस किया कि भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध के स्तर पर अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए। श्रीमान, ये देश वो देश है जहाँ सारी दुनिया के लोग शोध करने के लिए आते हैं, और यदि पीछे के दशकों में देखा जाए तो वही देश जो विश्वगुरु था, वो देश ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जिसकी चर्चा भी करना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए पुनः उस देश को उसके शिखर तक पहुंचाने की जो ये कवायद है, इसमें उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी, और इसी मंशा से मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों विद्वानों को देश में आमंत्रित करने और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्क की जो स्थापना की है, जहाँ विदेशी विशेषज्ञों को देश में कार्य के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ के जो विशेषज्ञ वो बाहर जाएंगे, पारस्परिक हम लोग हस्तांतरण कई शिक्षा की नीतियों का और उनकी तकनीकियों का श्रमण कर सकेंगे। मैं स्वच्छ विद्यालय के लिए भी जो बालिकाओं को शौचालय उपलब्ध कराने के क्रम में पहली बार, मैं समझता हूँ किसी के मन में शायद ऐसा विचार आया होगा कि औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सामाजिक दायित्व का जागरण हो और वो औद्योगिक क्षेत्र के घराने ये संकल्प लें कि वो 1,00,000 से अधिक शौचालय विद्यालयों में बनाएं। इसके लिए भी मंत्री जी को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि सामाजिक दायित्वों का जागरण उनमें भी किया है, और एक अभिनव पहल है ये भी जो 1,00,000 से भी अधिक शौचालयों को निर्माण करेंगे। श्रीमान, उन्नत भारत अभियान जो IIT द्वारा 10 गांवों को, पहले शायद किसी की समझ में आया होगा कि जो IIT श्रीमान हमारे विभिन्न स्थानों पर हैं उनके इर्द गिर्द दिखना चाहिए श्रीमान आईना, कि हाँ मेरा ये जो IIT है मेरे क्षेत्र में है। उदाहरण के लिए श्रीमान, मेरा हरिद्वार लोकसभा के अंदर यदि रुड़की का IIT है तो आसपास के 10-20 गांव को ये लगना चाहिए, गौरव महसूस होना चाहिए कि हाँ उसकी जो छाप है, उसका जो संरक्षण है, उसकी जो चमक है, वो उन तक आसपास में पड़ रही है। और इसके लिए ये जो पहल की है कि हर IIT को 10 ग्रामों का चयन करने का ये जो निर्णय लिया है, और उसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास करने का ये जो संकल्प लिया है, इससे निश्चित रूप में उसके आसपास के गांवों का बहुत विकास होगा, और वो विकास की दिशा में वो मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। देश के लिए अभिनव प्रयोग होगा, एक अलग सा उदाहरण होगा। श्रीमान, स्वतः कार्यक्रम, स्वयं कार्यक्रम वाला जो ये अनूठा कार्यक्रम है, ये भी IIT केंद्रीय विद्यालयों के प्रोफेसर देश के नागरिकों को ऑनलाइन कोर्स प्रदान करेंगे। ये भी योजना बिल्कुल मंत्रालय की एक अभिनव योजना है और नई योजना है। इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा संस्थानों में नहीं पहुंच पाते। लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं हैं, उनकी उन व्यवस्थाओं में भी उन स्थानों पर उनको सहयोग मिलेगा और वो अपनी प्रतिभा का निखार कर सकेंगे, देश के निर्माण में उनका योगदान हो सकेगा। श्रीमान, जो ये ईशान विकास, ये जो अभिनव योजना है ईशान विकास की, संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्धि से ही स्वभाव की है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जब उनकी समृद्धि होगी वो सशक्त होंगे, वो विकास में आगे आएंगे, शिक्षा में समृद्ध होंगे श्रीमान, तो देश समृद्ध होगा। और इसी भावना से जो IIT NIT और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी पूर्वोत्तर राज्यों में अपने अवकाश के समय जाकर के उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, मैं समझता हूं कि ये भी उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो उन संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी, और जिन स्थानों पर वो जाएंगे उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए भी, ये दोनों के लिए उन्नत शिखर पर पहुंचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। और इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल एक अभिनव प्रयोग ये किया है। सक्षम योजना के तहत देश में पहली बार शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है श्रीमान, उन विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए AITCE अक्षम लोगों को तकनीकी शिक्षा। अब ये भी श्रीमान, हर स्थान पर, चाहे बच्चों का हो, चाहे वो पिछड़ों का हो, और चाहे वो अक्षम लोगों का हो, छात्रों का हो, ऐसे छात्रों पर भी मंत्रालय की नज़र गई है और उनके लिए एक अभिनव उन्होंने प्रयोग किया है अपनी योजनाओं में। इसके लिए मैं भी सरकार को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमान, ये उड़ान ये जो देश की महिलाओं की शिक्षा में अभी तक एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमारी जो होनहार बालिकाएं हैं स्कूल के बाद उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से श्रीमान वो वंचित रह जाती थी,
वो स्कूली शिक्षा केंद्रों को बालिकाओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश में ये मदद करेगा, इसलिए ये बालिकाओं की शिक्षा में और बालिकाओं के उन्नयन में भी एक मील का पत्थर, ये उड़ान साबित करेगा उनके जीवन के लिए। श्रीमान स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति, ये जो ये भी बिल्कुल नई पहल है हमारी सरकार की, और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ मंत्री जी को कि बालिका शिक्षा और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन अभिभावकों की मदद करने का निर्णय लिया है जिनकी मात्र एक ही बालिका है, एक ही संतान है, और इसलिए उनको इस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति शुरू की है। ये भी जहाँ केवल एक बालिका है, एक ही संतान है, उस संतान को भी इस देश के लिए एक निधि के रूप में किस शिखर तक पहुँचाया बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके का जो ये योजना बनाई है, ये निश्चित रूप में ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, और मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमान उच्च शिक्षा में 13.1% की वृद्धि हुई, वैसे मैं आंकड़ों के मामले में नहीं जाना चाहता हूँ श्रीमान, केवल पैसे बहुत व्यय करके और उसकी गुणवत्ता या उसकी शिखर तक पर पहुँचाने का कोई मानक भी नहीं हुआ करता है, और उसके तमाम उदाहरण एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन तो भी उच्च शिक्षा के बजट में 13.1% की वृद्धि की है मंत्री जी ने, और मैं ये समझता हूँ कि उच्च शिक्षा के बजट को 26,855 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 13.1% अधिक है। इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगी, और निश्चित रूप में जिस तरीके से ये देश अपनी प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बढ़ते हुए पूरी दुनिया की नज़र में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप में हम उन भावनाओं का सम्मान भी कर सकेंगे और सफलता को अर्जन भी कर सकेंगे। सरकार को मैं ये भी बधाई देना चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर के अंदर वरिष्ठ विद्यालय का प्रावधान किया है। अब 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जो निश्चित रूप में जो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी, इसके लिए 80,000 हाई स्कूलों का उन्नयन और 75,000 मिडिल स्कूलों का उच्चीकरण होगा। इसमें मेरे जो गांव और गरीब और गांव के दूर, श्रीमान मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि कक्षा 5 के बाद हम लोग 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करके जाते थे, और बहुत सारे 50% तो बच्चे ऐसे होते थे कि 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाते थे, 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना बहुत लंबा होता है श्रीमान, लेकिन मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन ग्रामीणों को, दूरस्थ क्षेत्रों को और पिछड़े क्षेत्रों की भावना का भी सम्मान करते हुए उन बच्चों को उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये जो चिंता सरकार ने की है, और उसके लिए 80,000 हाई स्कूलों का उन्नयन और 75,000 मिडिल स्कूलों का वो जो उच्चीकरण का ये संकल्प है, जो लक्ष्य है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये श्रीमान प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, मैं इस सदन के माध्यम से निश्चित रूप में मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाया गया है। चुस्त दुरुस्त निगरानी तंत्र स्थापित करते हुए सभी हस्तांतरण ऑनलाइन हस्तांतरण करने की ये महत्वाकांक्षी योजना, अभी तक होता क्या था श्रीमान, होता था जाते थे, आंकड़े होते थे, कहाँ वो सब्सिडी जा रही है, कहाँ वो छात्रवृत्ति जा रही है, वो समय पर मिलती नहीं थी। जब समय पर मिलती नहीं थी, दर दर ठोकर खाते थे छात्र, और उस समय पर न मिलने के कारण उनकी शिक्षा आगे बढ़ नहीं पाती थी, तो इसलिए ये भी जो प्रयोग किया है ये बहुत अच्छा किया है श्रीमान। और ये जो अपंगता विश्वविद्यालय, श्रीमान मैं बस खत्म कर रहा हूँ, ये अपंगता विश्वविद्यालय जो बनाया है, ये भी इसके ये सारे विश्व का अपने अपने प्रकार का एक अभिनव प्रयोग है श्रीमान, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपंगता विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसके लिए पाठ्यक्रम कोर्स तैयार किए जाने की योजना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो सफलता की कुशल नेतृत्व अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की है श्रीमान। जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका, इसराइल, जापान के साथ साथ द्विपक्षीय शोध कार्यक्रमों के क्रियान्वित किए जाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, ये भी बहुत
अभिनव है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ शैक्षणिक सहयोग के अनुबंध भी किए गए हैं, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। स्वयं मूल्यांकन को बढ़ावा देने का भी एक अभिनव प्रयोग है। भारत के इतिहास में संभवतः ये पहली बार स्वयं मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं एवं 1.5 लाख से अधिक अध्यापकों को मूल्यांकन प्रक्रिया से जोड़ने का ये व्यापक कार्यक्रम, ये शायद इस देश का नहीं श्रीमान, ये सारे विश्व का अद्भुत एक उदाहरण होगा। श्रीमान, मैं सोचता हूं कि मंत्रालय जिस तरीके से काम कर रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उच्च शिक्षा में जितने भी कुलपतियों के श्रीमान पद रिक्त हैं उनको जरूर भरा जाना चाहिए। रजिस्ट्रार के बहुत सारे पद रिक्त हैं, वो भी भरे जाएं। हालांकि मैं बधाई देना चाहता हूँ श्रीमान, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं इस मंत्रालय के काम करने का, और आदरणीय आनंद कुमार जी भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे मेरे लोकसभा क्षेत्र ऋषिकेश में IDPL में 50 वर्ष से एक स्कूल चल रहा था। IDPL का वो भवन था और केंद्रीय विद्यालय उस पर चलता था। निर्णय हो गया, क्योंकि भवन जर्जर था, वो बंद हो जाएगा। वहाँ धरने पर बैठे थे अभिभावक, 1,500 छात्र, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था, लोग धरने पर बैठे थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ मंत्री जी को। जब मैं उनके पास गया और मैंने सारी बातों को रखा, उन्होंने वही टेलीफोन किया, श्रीमान ये उदाहरण है एक, मैं इसलिए इस सदन में उस उदाहरण को इसलिए देना चाहता हूँ कि यदि काम करने की मंशा हो, इच्छा शक्ति हो, प्रखरता हो श्रीमान, और मन में वही ललक हो, तो ऐसे भी काम होते हैं कि उसी समय टेलीफोन किया, घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर श्रीमान वो सारी जमीन भी स्थानांतरित हुई, वहां पर सारा का सारा नया क्लेवर के साथ वो स्कूल वहीं पर जीवित हुआ, जो बंद के लिए जिसके नोटिस हो गए थे, जो बंद हो रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं अपने क्षेत्र की भी जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। इसलिए श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूं, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, और जो प्रारंभिक शिक्षा, मैं मंत्री जी से ये जरूर अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि संस्कारक्षम यदि शिक्षा नहीं होगी तो शिक्षा के अभाव में आदमी मरी हुई लाश की तरह है श्रीमान, और इसलिए संस्कारक्षम शिक्षा ये प्रारंभिक शिक्षा से शुरू होगी। इसमें भी मेरा अनुरोध है, इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। बिना परीक्षा के, बिना किसी उसके, यदि 8वीं तक पास होता है बच्चा, यदि शुरू के ही क्षणों में श्रीमान, जब हम 5वीं की परीक्षा देने के लिए 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाते थे तो लगता था कि तैयारी करनी है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान आपके माध्यम से मंत्री जी से कि ये जो परिवर्तन है, ये इसके लक्षण अच्छे नहीं है। 8वीं में लिखना नहीं आ रहा है, 8वीं में 9वीं में जाने के बाद भी। इसलिए श्रीमान इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए ताकि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।